हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर एके सिंह और आज फिर हम अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर की वीडियो देखेंगे, यानी कि लाइब्रेरी एग्ज़ाम में जो इम्पोर्टेंट आ रहे हैं वो वीडियो देखेंगे। और बच्चों, जितने भी ईएमआरएस वाले स्टूडेंट हैं, ईएमआरएस का जो आपका जनरल पेपर है वो ईजी आ रहा है, यानी कि आपको जनरल पेपर ईजी आ रहा है, जो कराया गया जैसे कंप्यूटर में आपको जो कराया गया था वही आ रहा है, हिंदी इंग्लिश में जो आपको बताया गया था वो आ रहा है, और आपका पैडागोजी इस तरह से आप देखोगे तो पूरा का पूरा आपको पेपर इजी तौर पर मिल रहा है। तो ज़्यादा टेंशन की लेने की ज़रूरत नहीं है, अपने लाइब्रेरी को बस फोकस करो। लाइब्रेरी एग्ज़ाम का अगर यानी कि लाइब्रेरी की जितने आप क्वेश्चन पढ़ सको, जितनी प्रैक्टिस कराई जा रही है वो कर सको, तो वो सारी प्रैक्टिस जरूर करके जाना, प्रीवियस ईयर के पेपर जरूर देख के जाना, क्योंकि इनके बदौलत क्या होगा कि आपका सिलेक्शन होने के चांस रहेंगे। चलिए तो आज देखते हैं अपनी क्लास नंबर 10, और ये आपकी वीडियो यूजीसी नेट केवीएस DSSSB NVS EMRS राजस्थान एंड ऑल इंडिया, यानी कि ऑल इंडिया आपके लाइब्रेरी एग्ज़ाम के लिए वैलिड रहेगी। ठीक है, चलिए तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं, फिर आज हम 10 क्वेश्चन देखेंगे। और ये जो सीरीज़ कहीं ना कहीं है ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी, यानी UGC के लिए फ़ायदेमंद है, आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, आज का पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर वन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग, और ये PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा तो वहाँ से जाकर ले लीजिए, अकॉर्डिंग कॉपीराइट अमेंडमेंट एक्ट 2012 इन केस ऑफ फोटोग्राफ द टर्म ओ कॉपी RIGST राइट इज रिवाइज टू, यानी प्रति लिप्य अधिकार संशोधन के अनुसार फोटो ग्राफ के मामले में प्रति लिप ये अधिकार अवधि को संशोधित किया गया। तो आपको ये पता होगा कि जो कॉपीराइट एक्ट कहता है, जो लेखक होता है, यानी कि लेखक के 60 वर्ष के बाद की बात करता है, ये आपको पता है, पर कहीं ना कहीं जो फोटोग्राफ वाली बात आती है वो 10 ईयर की बात होती है, यानी कि 10 ईयर 10 वर्ष याद कर लेना, अगर आपसे कॉपीराइट एक्ट के बारे में पूछे लेखक के बारे में तो 60 वर्ष, ठीक है, 60 वर्ष है, ठीक है, लेखक, और फोटो के बारे में पूछ रहा है तो 10 वर्ष, इसमें बच्चे क्या कर देते हैं, इसमें तो ये क्या है, यानी
अगर लेखक के बारे में पूछा जाए तो 60 वर्ष, और इसके बारे में पूछा जाए, और कन्फ्यूज़न के लिए इस क्वेश्चनों में, जैसे अभी ये क्वेश्चन दिया गया, इसमें 60 वर्ष भी दिया गया, 10 वर्ष भी दिया गया, 20 वर्ष भी दिया गया, और कहीं ना कहीं इनमें से कोई नहीं, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और बच्चे क्या करते हैं, बस देखते हैं कॉपीराइट, और कॉपीराइट में 60 वर्ष लगाए थे, ये नहीं देखते कि वो पूछ क्या रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन को समझिए। आप अगर स्मार्ट वर्क करोगे तो आप कहीं ना कहीं क्वेश्चनों को क्या, पूरे पेपर को हिला दोगे। और अगर आप स्मार्ट वर्क नहीं करोगे और स्मार्ट तरीके से नहीं सोचोगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट होता है, यानी कि प्रैक्टिस इसलिए कराई जाती है आपको कि प्रैक्टिस करते 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 आप एक दिन परफेक्ट बन जाओ। ठीक है, अब आप इसे 10 बार क्वेश्चन को देखोगे तो 10 बार आपको पता चलेगा कि हाँ 60 नहीं, इसका 10 है, और 60 किसका है, तो ये सब चीज़ें आपको पता चलेंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जा सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज ए नोडल एजेंट सी फॉर नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जेस्टिक्स प्लानिंग एंड बजटिंग पर पज। उसके बाद यह कह रहा है, निम्न में से कौन प्रशासनिक निक संभार तंत्र आयो जन और बजटिंग प्रयोजनों हेतु राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन NML के नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका RRLF। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, RRLF। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट 3 देखते हैं। रेफरेंस एंड अंडर सर्विस एसोसिएशन इज ए डिविजन ऑफ, यानी कि रेफरेंस एंड
यूजर्स सर्विस एसोसिएशन किसका प्रभाव है। तो ये किसका आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा, आपका आंसर क्या होगा इसका, ए एल ए यानी कि अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर क्या कह रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर फोर आपका रंगनाथन जी से है, यानी कि अकॉर्डिंग टू एस आर रंगनाथ स्पोर्टिंग सब्जेक्ट इज ठीक है, रंगनाथन जी के अनुसार सपोर्टिंग सब्जेक्ट क्या है। अब सपोर्टिंग सब्जेक्ट के बारे में आपको मैंने बताया भी था, यानी कि रंगनाथन जी के अनुसार सपोर्टिंग यानी कि विषय अंतत सूक्ष्म रूप में जो मौजूदा यानी कि मौजूद हो सके, जिसे स्पष्ट यानी कि एक तरह से सब्जेक्ट के रूप में जाना जा सके, जो केवल एक अस्तित्व के साथ आयामहीन हो। यानी रंगनाथन जी के विचार थे कि 20वीं सदी में केवल भौतिक विज्ञान की चर्चा यानी एक तरह से, यानी इनका क्या कहना था कि उन्होंने जो एक यानी विषय को एक स्वतंत्र चर के रूप में निर्माण किया था और मानव अनुभूति की प्रक्रिया को एक सर्वव्यापी माना था। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका, इसका आंसर होगा सब्जेक्ट ऑफ स्मॉल एक्सटेंशन एंड ग्रेट, ठीक है, ग्रेट इन टेंशन यानी कि विषय विस्तार कम हो और उद्देश्य महान हो। ठीक है, तो ये होगा आपका फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव आपके एमबीओ से आता है। एमबीओ वाला क्वेश्चन आपको मैंने बताया भी था, यानी कि एमबीओ से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, आपको वो पता होना चाहिए। और वो इसलिए पता होना चाहिए, कभी कभी वो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, यानी कि चलते फिरते जैसे कहते हैं ना, चलते फिरते राह में पूछ लिया जाता है, तो वही इससे रिलेटेड आपसे पूछ लिया जाता है। हु अथॉरिटी द बुक प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि कौन है इसका ऑथर, तो इसके ऑथर हैं आपके पीटर डर कर। ठीक है, तो यह हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका सिक्स, यानी क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स आपके क्या इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको जब एक अभी कुछ टाइम पहले आपको वीडियो दी थी लैंड मैन वैन वाली, वो भी याद कर लेना, उसके ऊपर क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। अगर आप किसकी तैयारी कर रहे हो, ईएमआरएस से रिलेटेड हो, यानी ईएमआरएस में पूछे जाएंगे आपसे क्वेश्चन, लाइब्रेरी में भी पूछे जा रहे हैं और कहीं ना कहीं कंप्यूटर में भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आज का पेपर जो आपका
आज पेपर था आपका हॉस्टल वार्डन का। हॉस्टल वार्डन वाला पेपर देखिए, बहुत चीज़ें आपको उसमें देखने के लिए मिलेगी। तो हॉस्टल वार्डन का पेपर एक तरह से कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड ही मान के चलो, क्योंकि उसमें भी कहीं ना कहीं इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे और कहीं ना कहीं आपको इन सब चीज़ों का पता भी होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका आता है नेशनल सेंटर फॉर चाइल्ड या चिल्ड्रन लिटरेचर यानी कि NCCL, और ये फुल फॉर्म याद कर लेना, ये फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। यानी कि लाइब्रेरी में हर कोई फुल फॉर्म आपको याद करनी है, क्योंकि फुल फॉर्म से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन 10-15 मिलेंगी। ठीक है, टू तो ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को क्या है, हिंदी में भी लिख देता हूँ मैं, राष्ट्रीय बाल साहित्य एक मिनट, ये आपका हिंदी में क्या बैठेगा, हिंदी में बैठेगा आपका राष्ट्रीय बाल साहित्य केंद्र यानी कि नेशनल सेंटर फॉर चिल्ड्रन चिल्ड्रंस लिटरेचर NCCL किससे संबंधित है, तो आपसे पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, कई बार आपको पता नहीं होता, यानी NBT। ठीक है, याद कर लेना, NBT मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने लिखवाया है कहीं ना कहीं कि इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और पूछे जाने का मतलब ये है कि आपको कहीं ना कहीं पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेवन्थ क्या कह रहा है आपका, स्वतंत्र के पूर्व निम्न में से किस देशी रियासत ने सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित किया था, यानी विच पर स्टेट पास्ट पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 2 इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कौन थे, यानी कि आंसर है आपका ओ ला पुर कोला
ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका आठ क्या कह रहा है, आठ क्वेश्चन नंबर आठ, क्वेश्चन नंबर आठ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आठ क्या कह रहा है, सेस के ऊपर क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपसे KVS अभी जो KVS का पेपर हुआ था उसमें भी और DSSSB के पेपर में वो भी आपसे कई बार पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए। यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग, और जो ये क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ ये क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन है एक तरह से, ये मान के चलिए आपके KVS में पूछा गया है और UGC नेट के पेपर में पूछा गया है, DSSSB में पूछा गया और कई एग्जाम में पूछा गया, तो इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान रखना क्योंकि कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन है, तो इसलिए कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि आपसे इस बार भी आपके EMRS वाले बच्चे हो आपको मिल सकता है क्वेश्चन। एक्ट हैव द प्रोविंसिंग ऑफ लाइब्रेरी सेस, और मैंने आपको कितने बताए थे, यानी लाइब्रेरी सेस कितने हैं, पांच स्टेट है और पांचों स्टेट कौन कौन से हैं आप कमेंट सेक्शन में बताइए, वैसे मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा हिंदी में लिख देता हूँ, हिंदी में लिखिए, यानी कि निम्न में से किस सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम में पुस्तकालय उपकर का प्रावधान है, यानी कि आपको यह पता होना चाहिए। और एक बार मैं फिर से करा दूंगा क्योंकि ये जो कहीं ना कहीं लाइब्रेरी के जो कर हैं, यानी कि पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट के अंदर जितने भी है सारे के सारे एक्ट हैं, कब आए इनके सेस कौन कौन से, और आपसे पूछा क्या जा रहा है। अच्छा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में बिल्कुल एज इट इज़ लिखूंगा, ध्यान रखना क्योंकि इस तरह क्वेश्चन कई बार आपको धोखा देने के लिए करा जाता है। तो इसका आंसर है, यानी कि ऑप्शन क्या है, केरल, बी क्या आ रहा है, मणि पुर, सी आपका है हरियाणा, और यहीं पर आप क्या कर देते हो, बच्चे क्या कर देते हैं जो पढ़े बिल्कुल भी थोड़ा सा आप पढ़े हुए नहीं होते ना, तो वो क्या कर देते हैं, ये सोच लेते हैं कि हरियाणा नहीं होगा। पर यहाँ पर ये देखना कि जो ये नीचे वाला एरिया है ना आपका, ऐसे जो वी बना हुआ है, यहाँ पर आपके चार स्टेट हैं और एक आपका हरियाणा में, यानी कि इंडिया के दिल के आसपास जो स्टेट है उसके कहते हैं हरियाणा को, तो इसलिए हरियाणा उसके पास मिलेगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा केरल और हरियाणा। ठीक है, ध्यान रखना केरल जो सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1989 में हुआ था, और जो हरियाणा का था वो भी 89 में पारित हुआ, यानी कि 1989। ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। चलिए तो इसमें आपको पता लगेगा सेस कौन कौन से में, हरियाणा में और इसमें, और ये क्वेश्चन कई बार बच्चे इसलिए गलत करते हैं क्योंकि हरियाणा दिख जाता है, वो सोचते हैं कि हरियाणा तो होगा ही नहीं, हरियाणा ज़रूर है। और इसमें जो अभी जो KVS में पूछा गया था उसमें तो बिल्कुल माइनर माइनर थे, कि वो कि सारे के सारे साउथ के दे रखे थे और कहीं ना कहीं आपसे पूछ लिया गया था, तो इसलिए आपको इस चीज़ का भी पता होना चाहिए बच्चों। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नाइन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नाइन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर नाइन आपका आता है OCLC से। अगर आपको यानी OCLC के बारे में आपको मैंने बताया था कि OCLC जो है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग अगर आपसे पूछे जाए, ये क्वेश्चन आपको मैं लिखवाना हूँ, बस सिर्फ बता रहा हूँ क्योंकि पूछा जा सकता है। देखो अगर वही क्वेश्चनों को वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्वेश्चन की उठाए कहीं से भी 10 क्वेश्चन लिख दिए वो चीज़ नहीं है। क्वेश्चन मैं आपको जो बता रहा हूँ उसे सुनिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रोडक्ट एंड सर्विस ऑफ OCLC, ठीक है, यानी निम्न में से कौन सी OCLC की उत्पादन और सेवाएं हैं। तो उत्पादन और सेवाओं में आपको मैंने एक चीज़ बताई थी, जब उत्पादन सेवा की बात आ जाएगी तो ईजी, यानी कि उसमें कौन सा आएगा, EZ प्रॉक्सी,
और आपका दूसरा कौन सा आएगा? दूसरा आपका आ जाएगा ग्रीन ग्लासेस। ठीक है, तो ये आपके कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन के आंसर होंगे। चलिए, ये मैंने इसलिए लिखवाया क्योंकि कहीं ना कहीं वही है कि कभी कभार जो पूछे जाते हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जो ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको मैं लिखवाऊंगा ज़रूर, क्योंकि इससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका कह रहा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई ओपन सोर्स लाइब्रेरी ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर। तो इसमें कौन कौन से है आपको बताना है इसके आंसर, यानी ऑप्शन नंबर जाएगा आपको ओप्लेक्स, बी क्या है लाइब्रेरी, सी क्या है कू हा, डी क्या है आपका एवर ग्रीन ILS। तो इसमें से कौन सा करेक्ट होगा? तो इसका आंसर होगा आपका, इसमें आ जाएंगे आपको कौन कौन से आ जाएंगे भाई, आपका ए तो रहेगा ही, ठीक है ए रहेगा, फिर आपका आ जाएगा सी और इसका आ जाएगा डी, यानी कि बी को छोड़ के सारे आपके आ जाएंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है आज का क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपसे मैच द फॉलोइंग के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहला आता है क्वेश्चन आपका खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी। मैं आपको डायरेक्ट आंसर लिखूंगा इसके आगे, तो यानी कि खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी कहाँ पर है? आपको सबको पता है कि जब खुदाबख्श की बात आए तो आपको पता होना चाहिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिहार। नेक्स्ट आपका पूछा जाता है रामपुर राज, और इसका क्या हुआ था जब कोरोना टाइम पे चल रहा था तो वेबिनार हुआ था, और वेबिनार भी बहुत अच्छा कंडक्ट कराया था इन्होंने, तो कहीं ना कहीं इसका अगर किसी ने बच्चे ने वेबिनार किया होगा तो वेबिनार में पता होगा कि वेबिनार से ही आपको आइडिया लग गया होगा। और रामपुर की बात है, रामपुर आपको पता ही है कहाँ पर है, यानी रामपुर कहाँ पर आपका आ जाएगा यूपी, ठीक है फिर आपका आ जाएगा सरवंती महल लाइब्रेरी, यानी सरस्वती महल लाइब्रेरी आपकी पूछी जा रही है, ये कहाँ पर है बताइए, ये आपकी है तमिलनाडु, ठीक है फिर आपकी आ जाएगी नेहरू मेमोरियल म्यूजियम, एंड लाइब्रेरी ये कहाँ पर है आप, ये आपकी आ जाएगी दिल्ली। तो ये कहीं ना कहीं आज के जो क्वेश्चन थे ये आपके सामने आपको दे दिए गए हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।